सफ़र का जादू तो हमारे दिल के गहराइयों में छुपा होता है। एक ऐसा अनोखा अनुभव होता है जो हमें अपने आप से मिलाता है और दुनिया को एक नए नज़रिए से दिखाता है। नमस्ते इंटरनेट, हमारे पचमढ़ी के ट्रिप के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे पचमढ़ी की खूबसूरती मानसून के मौसम में और बताएंगे यहाँ के सबसे प्रीमियम MPT प्रॉपर्टी के बारे में, जिसपे हमारे फेवरेट सेलिब्रिटीज जैसे शाहरुख खान और नाना पाटेकर भी रह चुके हैं। साथ ही हम इस खूबसूरत हिल स्टेशन के कुछ और व्यू पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जो आपके अपकमिंग पचमढ़ी ट्रिप की प्लानिंग में जरूर काम आएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हमारे पिछले व्लॉग में हमने पचमढ़ी पहुंचने का सबसे आसान रास्ता MPT हाईलैंड का स्टे, धूपगढ़, रीचगढ़ और जटाशंकर महादेव जैसे टूरिस्ट पॉइंट्स कवर किए थे। उस वीडियो का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो चलिए हमारे पचमढ़ी के ट्रिप का दूसरा भाग शुरू करते हैं। पचमढ़ी ट्रिप के थर्ड डे की शुरुआत हमने हांडीको से की। हांडीको मध्य प्रदेश का एक रवीन है। ये जगह सतपुरा के घने जंगलों में 300 फुट गहरे वी शेप की एक खाई है। इस जगह की माइथोलॉजिकल हिस्ट्री भी है। माना जाता है कि पहले ये एक तालाब हुआ करता था, लेकिन एक विशाल सांप के क्रोध के कारण ये सूख गया। अब हांडीको ट्रैकिंग, हॉर्स राइडिंग और फोटोग्राफी के लिए फेमस है। हांडीको से निकलकर हम आगे बढ़े बड़ा महादेव मंदिर की ओर। बड़ा महादेव मंदिर पचमढ़ी टाउन से 11 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। यहाँ पहुँचने का रास्ता एक सीनिक घाटी से होते हुए जाता है। वहाँ पहुँचने में करीब 1 घंटा लग जाता है। इधर के पार्किंग से 3 अलग-अलग रास्ते 3 फेमस पॉइंट्स पे ले जाती है। एक रास्ता जाता है गुप्त महादेव मंदिर की ओर और दूसरा रास्ता जाता है चौरागढ़ की ओर, जो मध्य प्रदेश का 2nd highest पीक है। तीसरा रास्ता जाता है बड़ा महादेव मंदिर की ओर। हम पहले गए बड़ा महादेव गुफा मंदिर। पार्किंग से आपको लगभग 500 मीटर चलकर जाना होता है। गुफा मंदिर में भी पचमढ़ी के कई टूरिस्ट स्पॉट्स की तरह काफी बंदर रहते हैं। यहाँ भी आपको बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा, जो टूरिस्ट के हाथों से खाना, फोन और कैमरा छीन लेते हैं। गुफा के प्रवेश द्वार पर कई त्रिशूल और डमरू हैं, जो शिवजी की दृढ़ता को दर्शाते हैं। गुफा के अंदर प्राकृतिक जल की धारा है, जो एक पवित्र कुंड बना लेती है। गुफा के अंदर आपको झुककर चलना पड़ता है। आखिर में आपको शिवलिंग दिखाई देती है। उसी के साथ ऊपर पत्थरों पे ब्रह्मा, विष्णु और गणेश की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। बड़ा महादेव मंदिर से निकलकर जब हम गुप्त महादेव की तरफ बढ़े तो बहुत तेज बारिश होने लगी। हमारे तीसरे दिन का सफर हमें यहीं खत्म कर वापस अपने होटल लौटना पड़ा। अगले दिन हम पचमढ़ी के 2 और इंटरेस्टिंग टूरिस्ट स्पॉट्स पे गए। वहाँ की डिटेल शेयर करने से पहले हम आपको जानकारी देते हैं MPT रॉक एंड मनोर के बारे में, जहाँ हमने पचमढ़ी के आखिरी 2 रातें बिताई। रॉक एंड मनोर मध्य प्रदेश टूरिज्म द्वारा मैनेज किया गया पचमढ़ी का एक प्रीमियम प्रॉपर्टी है। ये होटल एक पहाड़ पर ब्रिटिश एरा के बंगलों से बना है। रॉक एंड मनोर एक बुटीक होटल है और यहाँ सिर्फ 6 कमरे हैं। हर रूम अलग है और अपने में शानदार है। वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हमें प्रॉपर्टी के 2 सबसे बेहतरीन कमरे मिले। रूम नंबर 6 कॉर्नर रूम है और इस रूम से व्यू काफी अच्छा है। रूम में हाई सीलिंग है एंड फर्निशिंग भी काफी क्लासी है। बाथरूम स्पेशियस और वेल डिजाइंड है। अब आते हैं हमारे दूसरे कमरे में। रूम नंबर 3 रॉक एंड मनोर का मोस्ट टॉक्ड अबाउट रूम है, क्योंकि यहाँ शाहरुख खान और नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स भी ठहरे हैं। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म अशोका के शूट के दौरान इस कमरे में कुछ महीने बिताए थे। रूम बहुत ही बड़ा है। इसमें फॉयर एरिया और लिविंग एरिया बेडरूम से सेपरेट है। बेडरूम बहुत ही शानदार है एंड बाथरूम भी काफी वेल डिजाइंड है। इन शॉर्ट, इट इज अ सुपर स्वैंकी रूम। रॉक एंड मनोर के रूम्स ही नहीं, बट यहाँ की सर्विस भी टॉप नॉच है। प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया जाता है।
यहाँ के रूम चार्जेस 9,500 पर नाइट प्लस टैक्सेस है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इंक्लूडेड रहता है। तो अब चलिए हमारा पचमढ़ी का ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। पर उससे पहले, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पचमढ़ी के लास्ट डे हमने 3 फेमस पॉइंट्स कवर किए। पहला पॉइंट था बी फॉल्स। बी फॉल्स का नाम यहाँ के लोकल बीज से आता है, जो भारी तादाद में यहाँ पाए जाते हैं। इंसिडेंटली, पचमढ़ी अपने वाइल्ड हनी के लिए भी काफी फेमस है। अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं, तो आप बी फॉल्स का एसेंट एंड डिसेंट दोनों बहुत एंजॉय करेंगे। पार्किंग एरिया से लगभग 200 स्टेप्स नीचे उतरने पर आपको एक मिनी फॉल दिखाई देती है। यहाँ आप अपने पैरों को ठंडे बहते पानी में डिप कर सकते हैं और छोटी छोटी फिशेस से फ्री पेडिक्योर भी करवा सकते हैं। यहाँ तक का ट्रैक रिलेटिवली आसान है एंड मोस्ट टूरिस्ट अपना टाइम यहीं स्पेंड करते दिखाई देंगे। इस मिनी फॉल से मेन बी फॉल्स और भी 400 स्टेप्स उतरने पर आता है। मेन फॉल्स तक का ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट है और बैक या जॉइंट पेन से पीड़ित टूरिस्ट को ये अवॉइड करना चाहिए। बी फॉल से आगे बढ़कर हम पहुंचे पांडव केव्स। पांडव केव्स एक 200 फुट का हिल है, जिसके अराउंड एक सुंदर गार्डन बना हुआ है। पार्किंग से निकलकर आप स्ट्रीट फूड से भरी दुकानों वाले रास्ते से गुजरते हुए एक गार्डन में एंटर करेंगे। यहाँ कई स्पीशीज के कैक्टस और रोज देखने मिलती हैं। कुछ और दूर चलकर आप पांडव केव्स के बेस पे पहुंचते हैं। माइथोलॉजिकल बिलीव्स के अनुसार ये गुफाएं पांडवों द्वारा बनाई गई थी, और एक वर्जन के अनुसार ये केव्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने अपने मेडिटेशन के लिए बनाई थी। इस वर्जन की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर एक मिट्टी से बनी स्तूपा के रिमेन्स अभी तक दिखाई देती है। पांडव केव्स से निकलकर हम अगले पॉइंट पे जा ही रहे थे कि हमें रास्ते में दिखाई दिया मृगनैनी। ये MP का एक बहुत जाना माना हैंडलूम स्टोर है। यहाँ आपको कई वैरायटीज की हैंडलूम साड़ीज, सलवार सेट्स, कुर्ते मिल जाएंगे। तो जब भी आप पचमढ़ी विजिट करें, मृगनैनी में कुछ समय जरूर बिताएं और मध्य प्रदेश के हैंडलूम्स जैसे चंदेरी और टसर को और समझिए। कुछ माहेश्वरी साड़ीज की शॉपिंग करने के बाद हमें लगा कि हमने पचमढ़ी का फेमस वाइल्ड हनी तो लिया ही नहीं। इसी वाइल्ड हनी की तलाश में हम पहुंचे चंचल आयुर्वेदा। चंचल आयुर्वेदा पचमढ़ी के सारे आयुर्वेदिक शॉप्स में से सबसे प्रसिद्ध स्टोर है। यहाँ आपको लोकली सोर्स्ड रूट्स, बार्क्स एंड लीव से बनी कई आयुर्वेदिक मेडिसिंस मिलेंगी, जो डायबिटीज, एलर्जी और कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम से राहत देने का दावा करती है। साथ ही यहाँ आपको लोकली सोर्स्ड वाइल्ड हनी भी मिलता है, जो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि इसके कई और हेल्थ बेनिफिट्स भी है। हमारा आखिरी स्टॉप था द प्रोटेस्टेंट चर्च ऑफ क्राइस्ट। ये 19th सेंचुरी में बना नियो गॉथिक आर्किटेक्चर वाला चर्च है, जो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। बाहर से ये चर्च रूइंस की तरह नजर आता है, पर कहते हैं अंदर से ये काफी अच्छे से मेंटेन किया गया है। इस चर्च में एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म नजर आता है। तो ये था हमारा पचमढ़ी का ट्रिप। वी होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पचमढ़ी से जुड़ी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे DM कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन है। तो मिलते हैं किसी और शहर में हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू ड्रीम, ईट, विजिट।